भाइयों और बहनों, डबल इंजन सरकार गरीबों की सरकार है, वंचितों आदिवासियों की सरकार है, मध्यम वर्ग मिडिल क्लास की सरकार है, युवाओं की सरकार है, महिलाओं की सरकार है। पहली बार देश में छोटे किसानों, खेत मजदूरों, घरों में काम करने वालों, छोटे छोटे दुकानदारों, सभी के लिए पेंशन की सुविधा लेकर हम आए हैं। पहली बार सामान्य से सामान्य परिवार को 2 लाख रुपए तक के बीमा की व्यवस्था हमने की है। पहली बार रेहड़ी ठेले पटरी फुटपाथ पर जो अपना थोड़ा बहुत कारोबार करते हैं, ऐसे साथियों को भी पीएम स्वनिधि योजना की वजह से बैंकों से मदद मिल रही है। इन गरीबों की कोई सुनता नहीं था, जो फुटपाथ पर बैठ करके जूते रिपेयर कर रहा है, जो फुटपाथ पर सब्जी बेच रहा है, जो ठेले में फल सब्जी बेच रहा है, खिलौने बेच रहा है, उसके लिए बैंक के दरवाजे बंद थे। वो बेचारा ब्याज से पैसे लेने जाता था और अगर 1000 रुपया लेने जाता था तो सुबह वो 100 रुपये पहले ही काट लेता था, 900 देता था और शाम को जाकर के फिर 1000 लौटाना होता था। गरीब कर्जदार बनता जाता था। ये आपके बेटे ने ये तय किया कि मुझे गरीबों को इस ब्याज के चक्कर से बाहर लाना है और हमने रेहड़ी पटरी वालों के लिए बैंक के दरवाजे खोल दिए और आज वो ब्याज के चक्कर से बाहर आ रहे हैं। इस वर्ष के बजट में पहली बार हमारे जो विश्वकर्मा साथी होते हैं, जो मिस्त्री है, कारपेंटर है, गहने बनाते हैं, औजार बनाते हैं, मूर्तिकार है, ऐसे हर साथी के लिए हम विशेष योजना लाए हैं। त्रिपुरा में बीजेपी सरकार ने सामाजिक भत्ते को भी 500 से बढ़ाकर 2000 रुपये किया है।